और मान लो कि आपके घर में किसी बच्चे की, लड़के की या लड़की का या मंगल विवाह नहीं हो रहा हो, या शादी नहीं हो रही हो, या उस लड़के लड़की के लिए बहुत प्रयास कर लिया आपने और उसकी शादी हो ही नहीं रही। जितने लोग भी कथा सुन रहे हो बहुत ध्यान देना, ये जो पानी पीने का जो मटका होता है ना, जिसको हमारे यहाँ कलश कहा जाता है, हंडा कहा जाता है, जिसको हमारे यहाँ परिंडा कहा जाता है, मटका कहा जाता है, तो पहले जो मटका चलता था वो लाल कलर का चलता था, ठीक है, उस पे कलाकृति करते थे लोग, उस पे डिजाइन करते थे। आपके यहाँ भी होगा, जितने लोग कथा सुन रहे हो ना, आपके यहाँ भी मटका होगा, लाल कलर का चलता था। अभी अभी जो मटका चल रहा है ना, उसका कलर चेंज कर दिया गया, कौन सा कलर का हो गया, वो काले कलर का बेचने लगे। तो वो बेचने वाला क्या कहता है कि साहब ये सफेद, ये लाल जो मटका है ना, इस मटके से मजबूत अगर कोई मटका है तो वो काला है। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो सही है ना, आप कभी जाओगे बाजार तो कह देगा, कुमार भी कह देगा, ये जो मटका है ना लाल वाला, इस लाल वाले मटके से मजबूत ये काला वाला मटका है, ये काला मटका है, और महाराज इससे पानी ज्यादा ठंडा ये कर देगा। पर शिव महापुराण की कथा, लिंग पुराण की कथा कहती है, और अगर आपने बैसाख मास की कथा को श्रवण कराओ, बैसाख की एक कथा होती है उसको अगर आपने श्रवण कराओ, तो उसमें वर्णन आता है कि घर के अंदर जहां पर आप पानी पीते हो, जिस स्थान पर अन्नपूर्णा निवास करती है, जिस स्थान पर अन्नपूर्णा का वासा होता है, रसोई घर में जहां पर भोजन बनता है, उस स्थान पर काला मटका नहीं रखा जाता, काला हंडा घर, काला मटका उस स्थान पर नहीं रखते। पर आज फैशन के हिसाब से, अरे साहब वो ये मटका थोड़ा कम ठंडा पानी देगा तो ये मटका ज्यादा ठंडा पानी देगा, तो उसको काले मटके को रखें। पर हमारा शास्त्र कहता है काला मटका लोग रखते कहाँ थे, पहले जो शास्त्र रीति थी उस काले मटके को रखते थे जब मकान बनता था, जब प्रॉपर्टी बनती थी, जब जमीन बनती थी, जब जायदाद बनती थी, संपदा बनती थी, तो उस स्थान पर उस काले मटके को केवल नजरोटे के लिए, केवल हाय के लिए, केवल नजर के लिए रखा जाता, उसको लोग लेना पसंद नहीं करते। पर आज के व्यक्ति को अगर कह दिया जाए कि ये दो मटके रखे हैं साहब, लाल भी है और काला भी है, तो कौन सा पसंद करेगा, वो काला वाला ही दे दीजिए साहब, ये पानी ज्यादा ठंडा करेगा, उसकी श्रेष्ठता रहेगी नहीं। शिव पुराण कर रहे हैं, भगवान कुंभ का निर्माण कर रहे हैं, भगवान कलश का निर्माण कर रहे हैं, और भगवान स्वयं ब्रह्मदेव कर रहे हैं कि आप ऐसा निर्माण कर दो जिसमें 33 कोटि देवता स्वतः विराजमान हो जाए। तो भगवान ने उस कलश का निर्माण कर दिया, अब कलश का निर्माण करा तो स्वयं भगवान ब्रह्मदेव बोले, प्रभु इस कलश के अंदर मेरा स्थान कहां, मेरा स्थान कहां, बहुत ध्यान देना महाराज, कलश का जो मुख होता है उस मुख पर भगवान विष्णु का स्थान होता है। किसका स्थान है, भगवान विष्णु का। थोड़ा सा नीचे आओगे जहां से कलश का मुख दबा हुआ होता है, वह जगह भगवान स्वयं शिव की होती है। किसकी जगह है, भगवान शंकर की। कलश का अग्रभाग, नीचे का भाग जहां से फैला हुआ होता है, वहां ब्रह्मा का आधिपत्य स्थापित होता है। फिर कलश का जो नीचे का भाग होता है वो भगवान शिव और शक्ति का स्थान होता है। कलश के बाहरी भाग में जहां पर बाहर का हिस्सा होता है, उस कलश के बाहरी भाग में 33 कोटि देवताओं को भगवान शंकर ने लाकर विराजमान किया होता है। महाराज भगवान शंकर 33 कोटि देवताओं को निमंत्रण देकर उस कलश में विराजमान कर दिया। कितना सुंदर है महाराज जी, उस आम के पल्लव की महत्वता को जरा जानिएगा, बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा। आम के पत्ते देखे आप लोगों ने, अरे बोलो जम के तो बोलो, देखे उसका प्रयोग कभी आप लोगों ने करा, आम के पत्ते का कभी प्रयोग कर देखिएगा। अभी तो नवरात्रि चल रही है, नवरात्रे में जब 5वां दिन नवरात्रे का रहे, चैत्री नवरात्रे का 5वां दिन रहे, और मान लो कि आपके घर में किसी बच्चे की, लड़के की या लड़की का या मंगल विवाह नहीं हो रहा हो, या शादी नहीं हो रही हो, या उस लड़के लड़की के लिए बहुत प्रयास कर लिया आपने, उसकी शादी हो ही नहीं रही, अथक प्रयास आपने कर लिया और उसका मंगल विवाह नहीं हो रहा, तो ये देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया, देवी भागवत में वर्णन किया गया, देवी भागवत में वर्णित किया गया, और देवी भागवत में कहा गया कि आम का जो पत्ते होते हैं, आम का जो पत्ता होता है, आम का जो पल्लव होता है, उस आम के पत्ते पर हल्दी और सिंदूर
इन दोनों से स्वस्तिक का निर्माण किया जाए। देवी भागवत का संवाद है, बहुत ध्यान देना महाराज। जिन कन्याओं का विवाह ना हो पंचमी के दिन, नवरात्र की कोई सी भी पंचमी, मतलब जो पंचमी तिथि पड़ेगी कोई भी नवरात्र हो, चाहे वो चार नवरात्र में से, चाहे वो पौष का हो, अश्विन का हो, चैत्र का हो, आषाढ़ का हो, किसी भी नवरात्र में आप कर सकते हैं। एक पान के पत्ते पर, एक ही पत्ते पर जो दो स्वस्तिक बनेंगे, एक हल्दी का बनेगा, एक सिंदूर का बनेगा। बस अंतर इतना है, जो हल्दी का स्वस्तिक है उस पर कंकु के चावल अर्थात रौली के चावल, रौली कुंकु के चावल रखना है, और जो सिंदूर का है उस पर हल्दी के चावल रखना। इतना रखकर जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता उसकी हथेली पर रखकर उसका नाम और गोत्र बोलकर महाराज उसको ले जाकर नीम के पेड़ के नीचे उसको रख दिया जाता है। मात्र 3.5 या 4 महीने ऐसे रहते हैं जिसके अंदर उस लड़का लड़की का विवाह पक्का हो जाता है। जिसका विवाह नहीं होता केवल उसी के लिए, जिसका मंगल विवाह ना हो रहा। आम के पल्लव में शिव का वर प्रदान है, आम के पल्लव में शंकर का आशीर्वाद, आम के पल्लव में शिव का। भगवान भूत भावन भूतेश्वर मेरे शिव, मेरे करुणा सागर, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे भोलेनाथ। स्वतः कह रहे हैं, हरिरति तुम रोती क्यों है, तुम्हारे रोने का कारण क्या है? प्रभु मेरे पति के साथ ये आम का पेड़ भी जलकर भस्म हुआ, आम का पेड़। भागवत जी किस किसने सुनी है, हाथ उठाओ जरा, जिन जिन ने भागवत जी सुनी है, आप लोगों ने सुनी है भागवत, रखिए हाथ। अगर आप लोगों ने भागवत सुनी होगी तो उसमें वर्णन आता है, तक्षक नाग डसने के लिए जब जा रहा था तब ब्राह्मण देवता जो जहर उतारना जानते थे उनको लेकर राजा परीक्षित के पुत्रों ने अपने दूतों को भेजा था लाने के लिए कि एक ब्राह्मण ऐसे हैं कि वो तक्षक नाग का जहर उतार सकते हैं, वो तक्षक नाग के जहर को समाप्त कर सकते हैं, तो आप उनको लेकर आओ। और वो तक्षक नाग का जहर उतारने वाले उस ब्राह्मण को लेकर जा रहे थे, तो सर्प ने विचार करा, तक्षक नाग ने कि बताओ ये तो गजब का काम कर रहा, अगर ये ब्राह्मण पहुंच गया तो ये ब्राह्मण तो सर्प का जहर उतार देगा। तो सांप तक्षक नाग को ये चिंता लग गई कि मेरे को ही डसना है और मेरे जहर ये उतार देगा, और डसने अभी एक ही बार है और मरना चाहिए परीक्षित, परीक्षित को श्राप लगा है, अब करूं तो करूं क्या। तो सर्प ने विचार करा कि मैं एक रूप रख कर जाता हूं और इस ब्राह्मण की परीक्षा लेता हूं। सर्प रूप रख कर गया, भागवत आप लोगों ने श्रवण करी होगी। तो जब तक्षक रूप रख कर गया और उस ब्राह्मण के पास में जाकर पूछा कि ब्राह्मण देवता ये बताओ कि आप कहां जा रहे हो, तो ब्राह्मण बोला आपको नहीं मालूम राजा परीक्षित को सांप डसने वाला है तक्षक नाग और मैं जहर उतारना जानता हूं। अच्छा आप जहर उतार दोगे, हाँ तो किस लिए जा रहे हो, जहर उतारने के लिए, तो जहर उतारने क्यों जा रहे हो, तो कहा राजा है राजा, जब राजा का जहर उतारेंगे तो मुद्रा भी कितनी मिलेगी आपको मालूम नहीं है क्या। अच्छा ब्राह्मण देवता इसलिए जा रहे हो, हाँ पर उसको तो किसी संत ने श्राप दिया, अरे तो श्राप संत ने दिया है, हम ब्राह्मण हैं, हमारा कर्म है किसी को बचाना, तो हम तो बचाएंगे। अच्छा आप में इतनी सामर्थ्यता है कि आप तक्षक नाग का जहर उतार दो, अरे तक्षक नाग आकर अगर मेरे सामने खड़ा हो जाए और किसी को डस ले तो यह पक्का है कि मैं जहर उतार सकता हूं। अच्छा तो इतने में तक्षक नाग सामने बिल्कुल प्रकट हो गया और तक्षक नाग प्रकट होकर बोला बता ब्राह्मण किसको डसूं मैं। ब्राह्मण ने कह दिया तुम्हारी मर्जी पड़े उसको डसो। सामने एक पेड़ था, उस पेड़ को ब्राह्मण ने, उस तक्षक नाग ने डस लिया। अब तक्षक नाग ने उस पेड़ को डसा और डसने के बाद में वो पेड़ पूरा जल गया, पूरा जल गया। अब पेड़ तो जल गया पर ब्राह्मण जो था जिसको परीक्षा देना थी वो ब्राह्मण को यह नहीं मालूम था कि पेड़ पर एक संत बैठकर साधना कर रहा था, तपस्या कर रहा था, और जब वो पेड़ जला तो वो संत भी जल गया, संत भी जल गया। अब जब संत जल गया ब्राह्मण ने हाहाकार की आवाज जब सुनी तो आंखों में जल भर गया, आखिर हुआ क्या, ये संत जल कैसे गया।
तो कहा इसके जलने का कारण केवल इतना है कि अब आप जीवित करो, इस पेड़ को हरा भरा करो, इस पेड़ को हरा भरा कर दीजिए। और ब्राह्मण ने हाथ की अंजलि में जल लिया। हाथ की अंजलि में जल लेकर ब्राह्मण उस जल को पेड़ के ऊपर छीट रहे थे, तो सबसे पहले ब्राह्मण ने यह मन में सोचा कि भोलेनाथ शंभु त्रिकालदर्शी है कैलाशी, कृपा ऐसी करना कि सबसे पहले जो पेड़ पर जो संत बैठा था वो जीवित होना चाहिए, जो वृक्ष पर संत बैठा है वो जीवित होना चाहिए। हाथ का जल ब्राह्मण ने जैसे छोड़ा, छोड़ते से ही पेड़ भी हरा भरा हो गया और उसके ऊपर जो संत बैठे थे वो भी जीवित हो गए। जीवित हो गए तो तक्षक नाग को ये लगा कि इसने एक जले हुए पेड़ को जीवित कर दिया, वापिस हरा भरा कर दिया, और इसने ऊपर बैठे हुए संत को वापिस जीवित कर दिया, तो ये पक्का है कि मतलब ये तक्षक नाग का जहर, मतलब मेरा जहर राजा परीक्षित को उतार सकता है। तो तक्षक नाग ने अपनी बात को पलटा और पलट कर कहा, महाराज जी हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, जितना राजा परीक्षित के पुत्र आपको धन देंगे उससे हजार गुना धन मैं आपको देता हूं। ब्राह्मण ने कहा ठीक है, अगर दक्षिणा से बड़ी दक्षिणा हमको एक ही जगह पर मिल रही है तो फिर हमें जाने की जरूरत क्या। ब्राह्मण ने दक्षिणा ली, वापिस मुड़ गया, वापिस मुड़ गया। अब ईमानदारी से बोलो, वो ब्राह्मण नरक गया होगा कि स्वर्ग गया होगा, जरा जम के बोलना हो, सुनाई देना चाहिए हमको, कहां गया होगा? नरक। काय में लिखा है? देवी भागवत में। उसका कारण क्या था? शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे एक नाव चलाने वाला व्यक्ति नाव लेकर जा रहा है और उसमें बहुत सारे यात्री बैठे हैं, बहुत सारे यात्री, और नाव डोलने लगी, आंधी चलने लगी, तूफान चलने लगा, हवा आने लगी, लहरें उठने लगी और नाव डूबने लगी, तो जो नाव में बैठा हुआ नाव चला रहा था वो कूद गया और कूद कर बाहर निकल गया, और निकलकर सारे के सारे जितने नाव में बैठे थे वो सब जलने लगे, जितने नाव के अंदर बैठे थे वो सारे के सारे जलने लगे। जब वो सारे के सारे पानी में डूबने लगे और पानी में नाव में जाकर सबकी सब जब डूब रहे हैं, सब मर गए, सारे के सारे जो नाव में बैठे थे जो तैरना जानते थे वो बाहर निकल गए, बाकी की सब डूब गए। नाव चलाने वाला जब उसके प्राण छूटे तो उसको एक नरक नहीं मिला, कम से कम 94 नरकों में वो नाव चलाने वाला गिरा, शिव महापुराण की कथा कहती। तो उस नाव चलाने वाले ने भगवान से पूछा